जय हिंद डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन एन आइडियल गैस से। क्या न्यूमेरिकल है? कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमको कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली, अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे वो बताइए। आप उसको लिखना चाहेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो आप लिखना चाहेंगे वो ये है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। और कह रहा है कि 1% ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का 1% है। ये सारी चीज़ें आपको, और एनटीपी का मतलब आपको टेम्परेचर भी गिवन हो गया 273 केल्विन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द चेंज, अच्छा गैस ऑफ द हाइड्रोजन एंड द टेम्परेचर। तो एक बात और बता दें आपको, चाहे एनटीपी पर टेम्परेचर हो टी की वैल्यू 273 केल्विन, और चाहे आप यहाँ पर टी जो गिवन है T2 वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या यहीं पर T3 गिवन होता 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, या कोई भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर गिवन होता, तो मैं आपको बता दूँ काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से स्पेसिमेन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन एनी कंटेनर आर कह सकते हैं एनी स्पीस, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज होता है। देयर आर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट उस पर होता ही नहीं ना। तो ये आप याद रखना, यानी कि मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया, ये द गैस ऑफ हाइड्रोजन, ये टेम्परेचर, ये इसका आंसर पहले हो गया। क्या हो गया कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑफ आइदर, चलो दोनों का आंसर मैं कंबाइंडली लिख दे रहा हूँ, आइदर चेंजिंग द गैस और टेम्परेचर, दोनों का आंसर मैंने आंसर दे दिया। अब एक ही का नहीं है, दोनों का है ये टेम्परेचर, चाहे गैस आप चेंज करो और चाहे आप टेम्परेचर चेंज करो, नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं इस कंडीशन में। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है उस पर आ जाते हैं। तो अगर आपसे कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो, तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी प्लस डी वी, तो अगर ये आप देख रहे हो वी प्लस डी वी के बीच में फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। उसका फार्मूला होता है एन वी डी वी अपॉन एन, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द स्पीड, इस वेलोसिटी रेंज के अंदर इनकी स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना होता है इस वेलोसिटी रेंज के अंदर। तो क्या होगा इस वेलोसिटी रेंज के अंदर, तो होगा 4 पाई और m बाई 2 पाई के टी और होल पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kT और डी वी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग द वेलोसिटी रेंज b plus dV, ये होता है। अब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है उस पर ध्यान दो आप, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वी एम पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 kT/m, ये मोस्ट प्रोबेबल होती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है इसी की जगह पर पुट कर सकते हैं। तो एन वी ध्यान से देखना, डी वी अपॉन एन और 4 पाई को एज इट इज रखना है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
तो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा चेंजिंग, देखो देखो ये टू वन टू टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं टू से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से हो जाएगा वन अपान पाई को एज इट इज रखो और टू, एक मिनट रुको 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 रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, टू के टी को एज इट इज रखो और एम को यहाँ रखो, ठीक है। और अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, होल पावर 3/2 कर सकते हो, और यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करो, 2KT/M की वैल्यू हो जाएगी V मोस्ट प्रोबेबल होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं a^2 MV² / 2KT। अच्छा यहाँ से भी देखो, यहाँ भी थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा चेंज क्या करना होगा कि V स्क्वायर एज इट इज रहने दो और 2KT/M को लिख लो आप, और dV ये थोड़ा सा हमने कर लिया, यहाँ का m इसके अपान में ला के कर दिया। अब हम चेंज करेंगे तो 4π और अब देखो 1 अपान और ये पाई और 2KT/M ये होता है V मोस्ट प्रोबेबल का होल स्क्वायर और ये 3/2, ठीक है। और V स्क्वायर e^-V² और 2KT/M और V मोस्ट प्रोबेबल का होल स्क्वायर और dV हो गया। थोड़ा सा हमने क्या किया, इस फार्मूले को मॉडिफाई कर दिया V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की टर्म में, ठीक है बेटा। और अब क्या होगा, 4π और यहाँ से ज़रा देखें ध्यान से, तो पाई के साथ थोड़ा सा यहाँ ट्रेजिडी हुई है, क्योंकि पाई यहाँ पर पाई की जो डिग्री है वो 3/2 हम सेपरेट लिख रहे हैं और 1/V मोस्ट प्रोबेबल का हम यहाँ पर क्यूब लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से कैंसिल 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो V मोस्ट प्रोबेबल का होल क्यूब हो गया और V स्क्वायर हो गया और e^-V² / V मोस्ट प्रोबेबल का होल स्क्वायर और dV हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो आ जाएगा ये। और अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ 1 है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ 1 ले लेते हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, ये पाई की वैल्यू 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/V क्यूब और मोस्ट प्रोबेबल और v² e^-V² और V मोस्ट प्रोबेबल का होल स्क्वायर और dV। जरा ध्यान से अगर आप देखें तो 1 - 3/2 का मतलब हो गया 2 - 3/2 और ये -1/2 और अगर पाई की वैल्यू -1/2 करेंगे तो इसका मतलब है 1/π की वैल्यू 1/2 और 1/√π, यानी कि इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 4√π और 1/V मोस्ट प्रोबेबल और इसका क्यूब और ये v² और e^-V² / V मोस्ट प्रोबेबल का होल स्क्वायर और dV। यहाँ तक फार्मूला ही मैंने बनाया है और कोई काम नहीं किया है कैलकुलेशन पर, कोई कैलकुलेशन पर केवल काम किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर अभी कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन दैट वी वैरीज, वो वी वैरी कर रहा है, किसके किसके बीच में वैरी कर रहा है, तो विथ इन वन परसेंट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब उस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में जब ये वैरी कर रहा है तो जरा देखो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1% तक वैरी कर रहा है, तो 1% तक वैरी कर रहा है वो भी हमको देखना पड़ेगा। वेलोसिटी का वेरिएशन अगर देखें तो कह रहा है कि वेलोसिटी का वेरिएशन का रेंज कितना है, तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कह रहा है कि 1% वैरी कर रहा है, तो 1% पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का 1% ये भी हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का 1% ये भी हो सकता है वेरी। भाई 1% या तो कम हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, या तो मोर देन हो सकता है। भाई अगर ये 1% का वेरिएशन है, मान लो 100 में 1% का वेरिएशन है तो या तो ये 101% हो सकता है या तो ये 99% हो सकता है, अगर इसमें 1% का वेरिएशन है तो, यानी कि एक रेंज मिल गया आपको, एक रेंज मिल गया।
तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो ये वेरिएशन है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंटू 1% का मतलब ये 100, जो कि कितना हो जाएगा 100 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी माइनस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपॉन 100, और ये आ जाएगा 99 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.99 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और अगर बढ़ रहा होगा तो कितना हो जाएगा, बढ़ रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी प्लस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का 1% बढ़ रहा होगा। अगर घट रहा होगा तो 1% घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो 1% बढ़ रहा होगा। तो ये 100 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और प्लस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपॉन 100, और ये हो जाएगा 101 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपॉन 100, और ये हो जाएगा 1.01 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी रेंज मिल गया कि ये वेलोसिटी जो बढ़ रही है या घट रही है, यानी वेलोसिटी वैरी कर रही है विद इन द वन, वेलोसिटी वैरीज विद इन 1% जो हो रही है वो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0.99 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू 1.01 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी रेंज मिल गया आपको। दिस इज द वेलोसिटी रेंज, ये क्या हो गया, वेलोसिटी रेंज मिल गया आपको। वेलोसिटी रेंज कितना मिला आपको, वेलोसिटी रेंज आपको 0.9 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू और 1.01 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिला। आप ऐसे लिखते नहीं थे कि वेलोसिटी वी टू वी प्लस डी वी, वही तो मिला आपको, वी प्लस वी डी वी, वी प्लस वी डी वी की वैल्यू यही तो है 1.01, सॉरी ये 1.01 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और v की वैल्यू कितनी है 0.99 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू इतनी है और v प्लस डी वी की वैल्यू इतनी है, सारी वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, आपको अगर v की वैल्यू मिल गई है तो v की वैल्यू यहाँ रख दो, 0.99 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट कहाँ गया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और प्लस डी वी इज इक्वल टू 1.01 और v मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डी वी इज इक्वल टू कितना होगा 1.01 वी एम पी और माइनस 0.99 वी और एम पी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और डी वी की वैल्यू भी आपको मिल गई, कितना मिल गया जी डी वी की वैल्यू 0.02 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डी वी की वैल्यू भी आपको मिल गई, ठीक है, dv की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई आपको, और यहाँ से सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, अब आप सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देखना होगा आपको। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, v की वैल्यू आपको मिल गई है, सारी वैल्यू मिल गई है, सारी वैल्यू पुट भी करना है, कुछ करना नहीं है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो n v dv अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट पाई था, 1 अपॉन वी एम पी का होल क्यूब था, वी स्क्वायर ई टू दी पावर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एम पी था और डी वी था, सारी वैल्यू पुट करो, धीरे धीरे करके सारी वैल्यू पुट करो, एन वी डी वी अपॉन एन और 4 अपॉन पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, पाई ही रख दें तो काम बन जाएगा क्या, चलो पाई ही रहने दो, काम बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। और वी एम पी, वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल की वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, और वी स्क्वायर की वैल्यू रखो, वी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू रखो, तो ये वैल्यू 0.99 और वी एम पी और इसका होल स्क्वायर करो आप, और ई टू दी पावर वी एम माइनस वी की वैल्यू रखो 0.99 और वी एम पी और होल स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, और वी एम पी एज इट इज रहने दो, वी एम पी को मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब आप जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना देखें, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 अपॉन अंडर रूट पाई और 1 अपॉन वी एम पी और ये क्यूब से यहाँ वाला एक कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं यहाँ 0.99 और इंटू 0.99 लिख रहा हूँ, एक बी एम पी स्क्वायर था तो यहाँ से कैंसिल हो गया था क्यूब से,
और e टू दी पावर माइनस 0.99 0.99, और बी एम पी का होल स्क्वायर और बी एम पी की इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो चुका है, और 4 अपान अंडर रूट पाई और 1 अपान वी एम पी, और इसको सॉल्व करो आप। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा, डी वी की वैल्यू हम लोग मिस कर गए, डी वी की वैल्यू पुट ही नहीं किए हम लोग। देखो, डी वी की वैल्यू तो पुट नहीं किया हम लोगों ने, डी वी भी तो था इक्वेशन में, ये डी वी भी तो था। डी वी की वैल्यू कहाँ रखा आपने, तो 0.02 वी एम पी ये रखो आप। अब देखो एक चीज़ और आसान हो गया, देखो ये जो वी एम पी था 0.02 वी एम पी, ये तो वी एम पी इससे कैंसिल ही हो गया, चलो सॉल्व हो गया, थोड़ा सा और इजी हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये 0.99 0.99 और e टू दी, और देखो यहीं पर एक वैल्यू और रख लेते हैं, 0.02 भी लिख लेते हैं, 0.-99 और 0.99 ये वैल्यू आ गई है बापू। अब इसी को सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है यहाँ से। एक बात अगर आप ध्यान से ज़रा देखें तो V जो है 0.99 VMP आया है। आप V और VMP में जहाँ ध्यान से देखेंगे तो 0.1 का ही कम है, यानी कि ये जो V और VMP है इसमें डिफरेंस 0.01 का है। अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ना लिखकर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लूँ तो मैं अप्रॉक्सीमेशन में ये लिख सकता हूँ कि v नियरली इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये देखो 0.01 का ही तो डिफरेंस है, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखने के पीछे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि जो e टू द पावर ये वैल्यू है ना, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और 0.01 के लिए जो एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीजमेंट है ये बहुत ही छोटी वैल्यू को देगा, इसलिए हम यहाँ पर जो है ना वो अपनी वैल्यू को करेक्ट करते हुए अगर ये दोनों हम ये वैल्यू इसके इक्वल कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम इक्वल करने के चक्कर में 1 भी लिख सकते हैं। अरे भाई, अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल करेंगे तो 1 लिख सकते हैं इसको, तो हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। या आप ऐसे देखो कि आप इस वाली वैल्यू को 1 लिखें और इस वाली वैल्यू को भी 1 लिखें। देखो ये वाली वैल्यू नियरली 1, ये वाली वैल्यू भी नियरली 1, और हमने 1 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और इसको -1 कर दिया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और रही बात अब इनके मल्टीप्लाई की, तो इनका मल्टीप्लाई आपको करना होगा, अपना मैन्युअली करना होगा कि कितना आता है ये वैल्यू कितना आता है, तो ये वैल्यू आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.019602 इतना आ जाएगा। अब e टू दी पावर -1 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आप एज इट इज रहने दो, बस आप सिर्फ क्या करो कि आप ये वैल्यू को, इस वैल्यू को पहले तो आप ये पता करो कि रूट पाई कितना होता है, तो रूट पाई कितना होता है, मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, 1.77 होता है और 0.019602 होता है और e टू दी पावर -1 होता है। और जब आप 4 को डिवाइड करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 1.77 करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.259887005 और इंटू 0.019602 इंटू e टू दी पावर -1। और अब आप क्या करना है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है 0.019 और 602 से मल्टीप्लाई कर लेना है, दिस वैल्यू विल बी, वी विल गेट 0.04429830051 ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो 51 और इनटू e टू दी पावर -1 ये वैल्यू आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर थोड़ी सी कहीं पर तो गड़बड़ी हुई है, पॉइंट की गड़बड़ी हुई है, एक मिनट, कहीं पर मेरे से ही पॉइंट लगाने में कहीं गड़बड़ी हो गई मुझे लगता है, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेटली जो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, कहीं डेसिमल चेक कर लेना, 0.45, यानी कि 442 ऐसे जो आ रही है उसको 45 कर लिया,
और ई टू दी पावर माइनस वन, यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन 0.45 ई टू दी पावर माइनस वन आ रहा है और यही आएगा भाई। और मैं इसको चेक ही कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, ये सही है, यही आएगा 0. यही आएगा 0. इतना ही आएगा, इतना ही फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। और रही बात इसके दो और जो लगे हुए थे इसके साथ में क्वेश्चन, तो उनका आंसर ये था कि गैस ऑफ हाइड्रोजन हो या टेम्परेचर हो, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन गैस के बदलने या टेम्परेचर के बदलने से बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लाइंग बिटवीन द गिवन वेलोसिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूल वेट एंड टेम्परेचर। ये वेट और टेम्परेचर से क्या होता है, वेट से टेम्परेचर से सबसे इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, या आप ऐसा कह सकते हैं कि गैस के चेंज करने से या टेम्परेचर के चेंज करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।